हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का हैंडबैग बनाएंगे। इस बैग में अंदर काफ़ी स्पेस है, नीचे से इस तरह से बनता है, साइडों में इस तरह से बनता है। इसे बनाना शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसका हम सबसे पहले ड्राफ्ट बनाते हैं। 55-45 सेमी का मैंने एक पेपर लिया है, सेमी का पेपर लिया है। जिधर से हम 55 सेमी लेते हैं, उधर से हम उसके तीन पार्ट बांट लेंगे। शुरू में हम इसका 15 पे पॉइंट लगाते हैं, फिर 15 के बाद हम इसको 25 पे पॉइंट लगाते हैं, और फिर 15 पे। इस तरह इसके तीन पार्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमारा इधर का 15 सेमी, सेंटर का 25 सेमी, और इधर का भी हमारा ये 15 सेमी रहता है। ऐसे अब इधर का 45 के हम तीन पार्ट बांटेंगे। तो इधर हम 15 सेमी लेते हैं, बीच में भी 15 सेमी, और इधर भी हम 15 सेमी लेते हैं। इस तरह हम इसके इधर भी तीन पार्ट बना लेते हैं और इधर भी तीन पार्ट बना लेते हैं। तो सेंटर में हमारे 25/15 का एक रेक्टेंगल बन जाता है, जो हमारा अभी ये इधर से जो सीधी लाइन आ रही है हमारी इस तरह, जो हमारी सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन से इधर की तरफ हम 5 सेमी के ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं। सभी तरफ 5 सेमी के ऊपर हम एक एक पॉइंट लगा लेंगे। इस तरह सभी तरह 5 सेमी पे हम एक एक पॉइंट लगा लेते हैं, और इस सेंटर वाले पॉइंट से इस पॉइंट को हम इस तरह मिला लेते हैं। हमारी ये सभी जगह हम इनको मिला लेते हैं। इस तरह 5-5 चारों तरफ हम मिला लेते हैं। अब जो हमारा ये सेंटर का जो हिस्सा होता है, ये वाला सेंटर का हिस्सा, इसको इधर से मिला लेते हैं 5 सेमी। जो हमारे सेंटर का हिस्सा होता है, इस सेंटर के हिस्से से ये वाला जो हमारा ये सेंटर का सीधा लाइन वाला हिस्सा होता है, इधर से हम इसके 4 सेमी लेते हैं। 4 सेमी लेने के बाद इधर से भी हम इसको 4 सेमी लेते हैं इस तरह, और इन दोनों पॉइंटों को आपस में हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। इस तरह फिर हम ये वाला हिस्सा भी कट कर लेते हैं। हम इसे पूरा ड्राफ्ट पे आउटलाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमारा पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। सेंटर में हमारा 15/25 का एक रेक्टेंगल बनता है, और चारों तरफ जो हमारे 15-15 इंच के स्क्वायर से रेक्टेंगल रहते हैं, इनमें हम कॉर्नर से अंदर की तरफ तो 5-5 इंच पे, और कोनों की तरफ 4-4 इंच पे निशान लगा के, 4 इंच पे निशान लगा के दोनों साइडों को कट कर लेते हैं, जो कोना बन जाता है। 5 इंच पे निशान लगा के इस तरह हम इनको तिरछा आपस में पॉइंट्स को मिला लेते हैं। जहाँ जहाँ हमने डार्क लाइन बनाई है, वहाँ वहाँ हमें सभी जगह सिलाई करनी रहती है। तब इस ड्राफ्ट की हेल्प से हम सभी अपने पीस काट लेते हैं। ये मैंने अंदर जो कपड़ा लगाऊंगी, उस कपड़े को इस ड्राफ्ट से कटिंग कर लेती हूँ। पूरे को हम कट कर लेते हैं। ये मैंने नीचे का जो अस्तर लगाएंगे, उस पर मैंने ये ड्राफ्ट से कटिंग कर ली। यहाँ पे मैंने चौक से डबल डबल लाइनें लगा रखी हैं, उन सब लाइनों के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये मैंने नीचे का अस्तर काट लिया है स्ट्रैप से। इसी तरह इसमें मैंने जो नीचे बीच में मैं चाहे तो फोम लगा लेते हैं, ये मैंने पतली वाली बुकरम ली है, पेस्टिंग वाली। इसी तरह मैंने ऊपर का कपड़ा काट लिया, जिस कलर का हम बैग बनाएंगे। तीनों हिस्से मैंने
काट लिए। तीनों से काटने के बाद इस पेस्टिंग वाली बुकरम को इस वाले कपड़े पे हम प्रेस से अटैच कर लेते हैं, और नीचे उसके ऊपर नीचे वाला अस्तर लगा के जहाँ जहाँ हमें सिलाई करनी है वहाँ पे चाहे तो हम कच्चा कर लेते हैं या हम पिनअप कर लेते हैं। तो मैं इसको पेस्ट कर लाती हूँ और फिर मैं पिनअप कर लेती हूँ। अब मैंने अपने तीनों पीसों को पिनअप कर लिया है, और जहाँ पे मैंने जिन जिन लाइनों के ऊपर मैंने डबल डबल लाइन बना रखी है छोटी वाली है, उन सभी लाइनों के ऊपर सिलाई मशीन से हम सिलाई कर लेते हैं, जिससे हमारे तीनों पीस आपस में जुड़ जाएंगे। ग्रीन कलर की धागे से लाइनें बना ली, इस तरह हमारे सभी जगह पे इसमें लाइनें बन जाती। लाइनें बनने के बाद अब उसमें मैंने 3.5 x 17 इंच की पट्टियाँ ली हैं, जिससे हम इसकी बेल्ट बनाएंगे ऊपर पकड़ने के लिए। इसे मैंने ये दो पट्टियाँ काटी हैं, इन पट्टियों को मैं इस तरह मोड़ के इतनी चौड़ी इस तरह हम इसकी पूरी बेल्ट बना लेते हैं दोनों। एक मैंने ये 1.5 इंच की एक पट्टी काटी है, इसको भी हम छोटी सी पतली सी एक पट्टी बनाते हैं इस तरह से। इस तरह मोड़ के हम इसकी एक इस तरह हम इसकी एक ये पट्टी बना लेते हैं। ये दोनों चीज बना लेते हैं हम, और साथ में ये 1.5 इंच की मैंने एक पट्टी और काटी है, जिसकी चारों तरफ हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हम इस तरह यहाँ से शुरू करेंगे पाइपिंग। अब हमने ये दोनों बेल्ट बना लिए, अब हम इसमें चारों तरफ पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट को इस तरह यहाँ पे हम पिनअप कर लेते हैं, इस तरह बेल्ट को पिनअप कर लेते हैं। बेल्ट को हम जो हमारा चौड़ा वाला 25 सेमी वाला स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल होता है, उसके सामने हम इधर लगाते हैं, और इसके पास में इस कोने पे जो हम कटिंग करते हैं उसके एक कोने के ऊपर सेंटर से 5 सेमी के ऊपर हम ये छोटी वाली डोरी लगाते हैं। इसे भी हम यहाँ पे इस तरह पिनअप कर लेते हैं। अभी हमारी बेल्ट लग गई, इसी तरह दूसरी तरफ भी हम बेल्ट लगा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इधर छोटी डोरी लगाई है, तो हमारे इधर दूसरी तरफ हमारे ये बटन लगाते हैं जो हम आगे की तरफ से लगाएंगे। हम अपनी पट्टी लगाते हैं। पट्टी के लिए सबसे पहले हम इस तरह यहाँ से पिनअप कर लेते हैं। इस तरह से चारों तरफ हम इसमें तरह सिलाई लगा लेते। अब इसमें हमने चारों तरफ पट्टी लगा ली है, दोनों बेल्ट लगा लिए हैं, और दोनों कोनों के ऊपर हमने इसमें एक एक छोटी डोरी लगा ली है, जिसके अंदर हम इसमें बटन लगाएंगे। दोनों जगह बेल्ट लग गई इस तरह पूरी हो गई। अब हम इसको सीधा करके इस पट्टी को इस तरह हम मोड़ लेते हैं, इस तरह मोड़ के हम इसको पिनअप कर लेंगे, फिर इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह इसकी मोड़ते हुए पूरी सिलाई कर लेंगे, तो ये बेल्ट हमारी इस तरह ऊपर आ जाएंगी, और ये हमारी डोरी भी इस तरह ऊपर आ जाएगी। अब हम इसे पूरा दोनों तरफ बेल्ट हो गई, और साइड में हमने ये डोरियां लगा लिया जिसमें हमारा बटन लगेगा।
इससे हमारा ये पूरा हो जाता है। अब हम ड्राफ लेते हैं। ड्राफ में जो हमने ये साइडों में जो कोने बनाए थे, इन दोनों कोनों को हम इस तरह दोनों कोनों की हम सिलाई करेंगे। इसी तरह हम इसमें भी अब दोनों कोनों की सिलाई करेंगे। ये जो हमारे दोनों कोने हैं, इन दोनों कोनों के हम इस तरह दोनों कोनों को पकड़ के यहाँ नीचे तक हम सिलाई कर लाते हैं। इस कोने को यहाँ तक नीचे तक सिलाई कर लाएंगे। इसी तरह हम इधर वाले दोनों कोनों की सिलाई कर लेंगे। जो दो हमारे ये दो कोने बीच वाले से साइडों में दो लाइनें हैं, इस तरह हम इसकी दोनों तरफ से नीचे तक हम इसकी सिलाई कर लाते हैं। हमने इसे चारों तरफ से कोने सिल लिए। कोने सिलने के बाद हम इसे जो हमारा चौड़ा वाला हिस्सा होता है उस हिस्से पे दोनों कोनों के इस तरह लेके आते हैं। दोनों कोनों के लेके आते हैं तो जो हमारे ये डोरी लगाई थी उसके नीचे हम यहाँ पे अब एक बटन लगा लेंगे। इधर भी लगा लेंगे हम और पीछे भी दोनों तरफ बटन लगा के इसको हम पूरा कर लेंगे। इसके दोनों तरफ हमने बटन लगा लिए। बटन लगाने के बाद ये डोरी हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह हमारा ये हैंडबैग पूरा हो जाता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।